महाराज जी हरिओम ओ हमारे और माधव, क्या हाल है? जी महाराज जी, पद्मासन 1 घंटे लगाने की कोशिश कर रहा था और प्राणायाम उसके साथ कर रहा था, तो उससे महाराज जी पेट में और कफ वगैरह में तो बहुत आराम मिला। लेकिन उससे दिक्कत ये हो रही थी ना कि एक तो थोड़ी थकान हो रही थी, जो आपसे पहले डिस्कस किया था तो आपने बोला था कि करते रहो, लेकिन अभी ना इधर बीच घुटने में दिक्कत आनी शुरू हो गई। तो अच्छा, अब जैसे हाँ पद्मासन का जो है ना, हर आसन का एक विपरीत आसन भी होता है। आप बताए थे अजासन हाँ करने को, तो हाँ अजासन मैं कर रहा था। अजासन बहुत देर तो नहीं हो पा रहा था, 10 सेकंड 15 सेकंड हो रहा था, लेकिन वो दर्द जा नहीं रहा था घुटने वाला। और उस सामान्य अवस्था में बैठकर, सुखासन में भी बैठकर फिर यज्ञ करना देर तक या जप करना, ये सब संभव नहीं हो पा रहा था। हाँ तो अभी फिलहाल छोड़ दिया मैं पद्मासन, तो अब तो ठीक है घुटना हल्का। तो मुझे लगा कि आपसे पूछूं कि तो क्या करूं, फिर सुखासन ही सामान्य अवस्था वाला लगाऊं? हाँ, तो सुखासन ही लगाओ, अच्छा क्योंकि एक स्थिति में तो फिर वही पद्मासन वाली ही स्थिति आ जाएगी, थोड़ी देर में आएगी, बस यही है। अच्छा जैसे कि पद्मासन में अगर मान लो 15 मिनट के बाद तुमको दर्द शुरू हो जाता है, तो हाँ सुखासन में 1 घंटे बाद शुरू हो जाएगा। अच्छा लेदे की बात वही रहेगी, उसमें मौलिक अंतर नहीं आना है, क्योंकि साधना की शुरुआत ही दर्द से होती है। अच्छा जब तक दर्द नहीं है तब तक साधना की सिर्फ भूमिका होती है, क्योंकि असली जो शोध है वो पेन से ही शुरू होगा। वास्तविक जो है अनुभूति जो होती है वो दर्द से ही जो शुरू होना है उसको। अच्छा हाँ, चाहे लेकिन महाराज वो जी किसी भी अब आसन में जैसे, हाँ करे। महाराज जी अब जैसे उसमें ये है कि वो दर्द लगातार बना रहना, या फिर अब उसमें चल रहे हैं चलने में दिक्कत होना, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए ना? इसका मतलब है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। हाँ, वो बाद में नहीं होना चाहिए, इसलिए जो भी आसन किए जाते हैं तो उसे काउंटर में भी आसन कर लिए जाते हैं, ताकि हाँ उसका जो है जो साइड इफेक्ट है नसों के ऊपर वैसा नहीं हाँ रहे। तो इसके लिए और भी, जैसे मान लो कि अजासन कर लिए, हाँ, पद्मासन के काउंटर में। क्या पद्मासन तो है? 1 घंटे लग रहा है, अजासन तो 15-20 सेकंड, उससे हाँ ज्यादा लग नहीं रहा है। हाँ तो उतना उसको काउंटर नहीं कर पाएगा ना भाई, 1 घंटे का काउंटर 15 सेकंड वाला कैसे कर पाएगा? तो हाँ वह है, थोड़ा सा उसको भी बढ़ाना पड़ता है, ज्यादा नहीं भी तो कम से कम आधी मात्रा तो हो ही जानी चाहिए ना। अच्छा और फिर जो है ये जो ये है घुटने की जो चक्की होती है, हाँ, हाँ तो उसके ये उसको जानु संकोच नासन कहते हैं, तो उसको खींचा जाता है जोर जोर से, ठीक ना? अच्छा जांग को खींचोगे अपनी ओर तो जो चक्की है वो खींच जाती है जांग की ओर। अच्छा अच्छा हाँ, तो वो अभी बहुत बढ़िया उसका उपाय होता है, जिसको घुटने में प्रॉब्लम होती है ना, हाँ तो हाँ वो ठीक हो जाता है। उसी तरह से फिर जो अच्छा वज्रासन, इंटरनेट पे वज्रासन मैंने की जो देखा तो, तीसरी हाँ स्थिति है, वज्रासन की तीसरी स्थिति, तो उसमें बैठ पाते हो? महाराज जी मैं तो एक ही स्थिति जानता हूँ, दोनों पैर पीछे करके बैठना। नए वज्रासन की 5 स्थितियां होती हैं, अच्छा तो उसमें जो तीसरी स्थिति होती है उसमें क्या होता है कि एड़ी जो है ना वो सटी रहनी चाहिए, अच्छा पंजे सटे रहने चाहिए पूरे, और उस पर ही वजन पड़ना चाहिए पीछे। वो भी घुटना अच्छा को या एड़ी के दर्द को ठीक करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। अच्छा तो वज्रासन की वह स्थिति भी बहुत अच्छी होती है घुटने के महाराज दर्द जी एक के दिन लिए। इंटरनेट पे देख रहा था, तो उसमें दिया था कि जो पद्मासन है हाँ उसमें कभी कभी घुटने अच्छा, के जो तंतु पद्मासन में भी हैं तुम वो पैर खींच बदलते जाते हो कि हैं और नहीं? वो हमेशा के लिए चोटिल हो जाता है आदमी। पद्मासन में पैर बदलते हो कि नहीं? जैसे एक पैर को नीचे रखे तो नहीं, एक ही पैर में 1 घंटे करता हूँ, नहीं, वो तो ठीक है, दाहिने को ऊपर रख उसको के। करके ठीक है। जैसे मान लो कि अब आज तुमने एक ही पैर पे 1 घंटा कर लिया, तो हाँ अब जैसे कल करोगे तो कल फिर दूसरे पैर को करोगे 1 घंटा? नहीं, ये तो मैं कभी नहीं किया हूँ महाराज नहीं, जी। तो ये तो फिर तो एक तरफा हो जाएगा ना, तो फिर तो डैमेज हो जाता है ऐसे ना। अच्छा, हाँ, क्योंकि एक ही पैर बराबर ऊपर चढ़ रहा है तो वो नस तो बिगड़ती चली जाएगी। जिस पैर को हम नीचे रखते हैं तो उसको फिर हमें ऊपर रखना है,
ये भी बहुत लोग भूल करते हैं कि एक ही पैर को लगातार हर समय ये तो महाराज जी मैं 1-2 साल से ये भूल करता हूँ। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, तो तुमको इसमें सलाह लेनी चाहिए ना। हाँ नहीं मुझे याद है मैं आपसे सलाह लिया था तो आपने ये मुझे बोला था, लेकिन मैं किसी तरह से इसको मिस कर गया। हाँ तो इसको ये ध्यान रखने की बात है कि जब मैं एक पैर को ऊपर चढ़ाता हूँ तो उसके बाद फिर जैसे कल करूंगा तो फिर मैं उस पैर को ऊपर नहीं चढ़ाऊंगा, दूसरे पैर को चढ़ाऊंगा ऊपर। इस तरीके से उसका बैलेंस होता रहता है, अन्यथा अन्यथा उसमें जो है विकार आ जाएगा, नस जो है टेढ़ी हो जाएगी, वो फिर दर्द करने लगेगी। एक ही पैर को चढ़ाएंगे तो वो दर्द होना ही होना है फिर तो उसको, क्योंकि वो लगातार टेढ़ी हो रही है, उसी पर स्ट्रेस पड़ रहा है। हाँ लगातार एक ही पैर नीचे रहेगा तो वो नस दब जाएगी। तो अभी अभी आप क्या सजेस्ट करेंगे, तो फिर मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या कुछ दिन आराम कर लूँ? करूँ कुछ दिन आराम कर लो, लेकिन जिस पे याद एक चीज याद रख लिया करो कि मैं बाएं पैर को नीचे इस बार रखा हूँ तो अगली बार जो है इसको मैं ऊपर रखूंगा, नीचे नहीं रखूंगा। अच्छा ये गलती नहीं करना, क्योंकि लोग भूल भी जाते हैं कि मैं किस पैर को रखा हूँ ना, तो वो भूलने वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा हाँ ये हर समय ध्यान रखना चाहिए कि इस बार इस पैर को नीचे किया तो अगली बार, अन्यथा फिर पद्मासन लगाए ही नहीं, फिर दूसरे आसन को करें। और भी बहुत सारे आसन है, भद्रासन है, क्योंकि पद्मासन में वो तो भाई कुछ फायदे बहुत हैं तो खतरे भी हैं। अच्छा जी तो अन्य आसन किए जा सकते हैं जी, जैसे सिद्धासन वगैरह है। हाँ हाँ तो उसको कर सकते हो, हालांकि उसमें भी पैर एक नीचे रहता है एक ऊपर रहता है, उसको भी बदलते ही रहना पड़ता है। जी 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 लेकिन वो थोड़ा सा मतलब कम वो दुष्प्रभावी होगा इसके बजाय। अच्छा अच्छा इसमें फायदा बहुत है तो नुकसान भी बहुत है। नुकसान इसमें क्या क्या है महाराज जी पद्मासन में? बस वही नस खराब हो जाती है, एक नस लगातार होता है तो एक नस टेढ़ी हो जाती है। अच्छा अगर एक ही नस में पैर को लगातार चढ़ाते रहे तो दबती चली जाएगी, फिर दर्द उसमें होना शुरू हो जाता है। हाँ तो यही कारण हो सकता है दर्द का मेरे से। हाँ तो ये सब कुछ इसका जो काउंटर है उसको उसको करना करते रहना जरूरी है। जी जी ये एक पैर को बदलते रहना जरूरी है, दूसरा की है कि जानु संकोचनासन करना जरूरी है, अजासन करना जरूरी है, और वज्रासन की तीसरी स्थिति जरूरी है। हाँ तो वो उसका काउंटर हो जाएगा, फिर वो पेन नहीं रहेगा, फिर वो जो नस जो दब रहे थे ना वो फिर अपनी पोजिशन पर ओरिजिनली बनी रहेगी और खून का संचार होता रहेगा सही से। जी जी अच्छा मुझे महाराज जी ना सिंगापुर में एक बार घूर्णन वाला आसन करते समय ना स्लिप डिस्क हो गया था। अच्छा तो फिर वो इसका मतलब है कि वहाँ पर एक बार जब नस अपने पोजीशन से हट जाती है ना, हाँ तो हाँ क्या होता है कि वहाँ पर मांस जम जाता है। हाँ हटे हुए स्थिति में मांस जम जाता है, तो वहाँ पर हाँ, मांस जब जम गया तो अब क्या होगा कि वहाँ पर उस नस को वो जाने ही नहीं देता है जल्दी, क्योंकि वो मांस कटेगा, कटते कटते फिर तो वहां पहुंचेगा। तो इसके कारण ही उसको बहुत पेन होता है, और जितना पुराना केस होता है उतना उसको कठिनाई होती है, उतना दर्द का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मांस जम गया वहां पर। आसन वगैरह करते रहने से स्थिति तो सामान्य रही मेरी। हाँ और डॉक्टर ने वहाँ MRI वगैरह करवाया था, फिर बहुत सारे मुझसे करवा के चीजें देखा, तो उसने कहा कि आप तो बहुत फ्लेक्सिबल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक एक उस समय हल्का दर्द तो होता ही था, अभी भी जैसे मैं अगर पद्मासन में बैठता हूँ तो वो लगता है जैसे उस वाले पॉइंट पे नीचे बहुत दबाव हो रहा है, दबाव पड़ रहा है। तो फिर मैंने पद्मासन के नियम देखा तो उसमें लिखा था कि अगर स्लिप डिस्क या इस तरह की समस्या हो किसी को घुटने की तो पद्मासन नहीं करना चाहिए। तो फिर जैसे जो लोग सलाह दिए है ना, उनको इसका काउंटर आसन नहीं मालूम होगा, इसीलिए ऐसा उन्होंने सलाह दिया। अच्छा अच्छा दर्द तो होगा ही, हम कोई भी आसन करेंगे तो दर्द होगा, ऐसा कोई आसन नहीं है जिसमें कि दर्द नहीं होगा, चाहे वो कोई भी आसन हो। अगर हम शवासन में भी लेट जाए ना तो दर्द करने लगेगा थोड़ी देर के बाद। कोई भी करके कभी भी देख सकता है। जो सबसे रिलैक्स्ड आसन है उसमें भी कोई रहेगा, उसको खाली समय की बात होती है कि आधा घंटा बाद दर्द करेगा कि 1 घंटा बाद दर्द करेगा, दर्द तो करेगा ही निश्चित। तो उसका उपाय यही होता है कि भाई एक पोजीशन पर जो है नस के ऊपर प्रेशर आया है तो अब उसका प्रेशर को बदल दिया जाए।
जब प्रेशर बदल जाएगा तो वहाँ खून का संचार हो जाएगा तो फिर वो सही हो जाएगा और उसका काउंटर वो कर दिया जाए, तो इस तरह से इसको किया जाता है जी। तो इसलिए सभी जितने भी आसन हैं उनके काउंटर आसन हैं और उन काउंटर आसन को जानने वाले ही जो है वो योगाचार्य कहलाने योग्य हैं, नहीं तो उस तरह तो कोई भी कहीं भी कुछ लिखा हुआ है तो, या कहीं आजकल तो वीडियो बहुत सारे चल रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं ज्यादा वो भी बना रहे हैं वीडियो डाल रहे हैं, तो उनका देख देख करके बहुत लोग कर लेते हैं। रामदेव महाराज भी बताए इतना, लेकिन कभी काउंटर आसन के विषय में बताया ही नहीं, चर्चा ही नहीं किए हैं, नहीं करते हैं कभी, नहीं बस खाली बस ये कर लो वो कर लो ये कर लो बस ये करते हैं। तो इसके कारण ही बहुत लोग जो है घायल हो जाते हैं और कहा जाता है कि योग से उसको क्षति हो गई। हाँ तो क्षति इसीलिए हो जाती है, बेचारे रोज रोज वही करते रहते हैं, तो वही करते रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि रोज रोज हम एक ही चीज पर करेंगे तो उस पर तो प्रेशर पड़ना ही पड़ना है, तो कोई उसमें नस मजबूत हो जाएगी और कोई बहुत कमजोर हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। जबकि शरीर को पूरा बैलेंस रखना है तो सभी नसों को सक्रिय करना है तमाम, तब जा करके सही होता है जी। ठीक है तब, और कुछ? हाँ महाराज जी, एक 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 और महाराज जी जिज्ञासा थी कि जैसे दूध या दूध के प्रोडक्ट्स नहीं पचते हैं, हाँ, और इधर बीच में थोड़ी थकान वगैरह ज्यादा लग रही है या फिर फिर थोड़ा भारी हो जाता है पढ़ाने के बाद बच्चों को, हाँ, तो उसमें भी कुछ है क्या उसके लिए कुछ जो खाया जा सके हेल्थ के लिए? हेल्थ के लिए तो मतलब मजबूती के लिए ना, मजबूती के लिए महाराज जी, जैसे शरीर में वो थकान जो बार बार लग रही है या जल्दी हो जा रही है। तो जैसे कि मान लो कि अश्वगंधा जो है बहुत अच्छा है, उसमें काम करता अच्छा, है। अच्छा अच्छा अश्वगंधा काम अच्छा, करेगा, शिलाजीत काम करेगा। अच्छा, और तुमको ये अंजीर अंजीर काम होगा? करेगा अंजीर अंजीर अच्छा, हाँ अच्छा। जो कुछ और त्रिफला रसायन भी काम करेगा। अच्छा हाँ, तो वो जो है ना क्या कि शरीर के जहर को भी निकालना जरूरी होता है। जब हम लोग लगातार कोई मेंटल वर्क करेंगे या फिजिकल वर्क करेंगे तो शरीर में जो है ना टॉक्सिक बहुत बनता है, तो उस टॉक्सिक को बाहर निकालना भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, बहुत पहले महाराज जी जब आपसे बात हुई थी, मैं नया नया आया था तो मैंने आपको बोला था कि मेरा पेट अक्सर खराब रहता है, तो आपने कहा था कि आपने मुझसे मेरा पूछा था बैकग्राउंड, तो मैंने कहा था कि महाराज जी मैं पहले मांस वगैरह बहुत खाया हूँ, तो आपने कहा था कि वो सब टॉक्सिन्स जो बनाया होगा, तो अब जब योग करते हुए तुम्हारा वो सब टॉक्सिन निकलेगा, उसके बाद ही तुम्हारा पूरी तरह से ठीक होगा। तो उसके बाद तो फिर मैं लगातार योग प्राणायाम वगैरह कर ही रहा था, लेकिन इसमें ना बीच बीच में अब जैसे इस तरह की कुछ समस्या आ जाती है तो 1 या 2 महीने मेरा गैप हो जाता है, तो वही मुझे अब ये नहीं समझ में आता है कि मेरा आइडियल रूटीन क्या होना चाहिए, फिर इस केस में कितना करना चाहिए, क्योंकि अब जैसे सिंगापुर में एक बार हुआ था कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं ये करके योग प्राणायाम बहुत थक जा रहा हूँ और जो लिखना पढ़ना है या इस तरह की चीजें नहीं कर पा रहा हूँ मेंटल वर्क, तो मैं सुबह उठता था 2-3 बजे और केवल 5 मिनट या 10 मिनट करता था और फिर उसके बाद सो जाता था शवासन में, और फिर जब उठता था उस समय मेरे बाल भी बड़े घने हो गए और थकान बिल्कुल नहीं रहती थी, बहुत दिन भर फ्रेश लगता था। तो अभी भी मेरे मन में आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा मेरे लिए वही 5-10 मिनट ही काफी है, लेकिन एक मन में एक एक साधना को लेके जो विक्षिप्तता है कि नहीं अब बैठा हूं मैं तो 2 घंटे करूंगा 10 घंटे करूंगा, ऐसे इस तरह की चीजें भी साथ में जो हो जाती हैं, तो उसके बाद एक थकान हो जाती है, अगर ज्यादा हो गया तो लगिशनेस रहती है फिर दिन भर। ऐसा है ना कि गृहस्थों की जो दिनचर्या होती है वो अलग ढंग की होती है, और जो गृहस्थी से हट करके जो साधना जो लोग करते हैं उनकी दिनचर्या अलग होती है। जी जी हाँ, गृहस्थों को अपना गृहस्थी भी संभालनी है, इसके अलावा भी ये सब कुछ कुछ करना है, तो जाहिर सी बात है कि उनकी ऊर्जा का ज्यादा ह्रास होता है अन्य क्षेत्र के कारण,
और जो गृहस्थी से हट करके साधना करते हैं तो उनको तो बस वही करना ही है, उनका तो वही हाँ एक तरह से उनका वही काम है, उनकी वही आजीविका है हाँ ना, और उसका उसी में लगन है और सब कुछ उसी में है, तो उसको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं है, उसके लिए थकना और उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता है, क्योंकि बिल्कुल वो दिन बिल्कुल भर उसी में लगा है, तो उसको तो कुछ कहीं हाजिरी देनी है नहीं, कुछ और कुछ जिम्मेवारी जैसे कुछ निभानी है नहीं, वो छोड़ भी सकता है, हाँ लेकिन एक गृहस्थ नहीं छोड़ सकता है, उसका असर एक टाइम फ्रेम बना हुआ है कि यहाँ ये करना है, यहाँ ये करना है, वहाँ वो करना है, जी जी इतने समय में, तो उसके हिसाब से व्यक्ति को एडजस्ट करना होता है। तो अगर बिना थके हुए ऊर्जावान होना है हाँ तो उसके लिए प्राणायाम को श्रेष्ठ बताया गया है। अच्छा हाँ, तो उसको उसके लिए उसको प्राणायाम करना चाहिए, अगर चाहते हो कि थकावट भी नहीं हो और ऊर्जावान भी हो जाए तो उसके लिए प्राणायाम किया करो। हाँ तो फिर वही पद्मासन के बिना ही करूं क्या अभी कुछ दिन? हाँ, तो फिर प्राणायाम करना है तो उसको तो कभी मान लो एक प्राणायाम पद्मासन पे कर दिए, एक प्राणायाम जो है आजासन पे बैठ के कर दिए, एक प्राणायाम जो है सुखासन में कर दिए, एक प्राणायाम सिद्धासन में कर लिए, इस तरह से कुछ कुछ जो आसन है वे होते भी रहेंगे और कुछ प्राणायाम भी हो जाएगा हल्का फुल्का। अच्छा हाँ, अच्छा तो उस तरह से उस पर वो ऊर्जावान भी व्यक्ति रहता है, उस पर स्ट्रेस नहीं पड़ता है। अच्छा महाराज जी हाँ, तो वो उसको वो कर सकता है, जी जी तो उसमें तुमको थकावट नहीं होगी और जी तुम बहुत सारे काम कर रहे हो, मेंटली बहुत अलर्ट रहोगे। जी हाँ, मेंटली अलर्ट रहने के लिए प्राणायाम ही जरूरी है, और अगर आसन करेंगे तो जी महाराज जी आसन से तो थकावट होगी, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है, थकावट होगी, इसमें गहरी नींद हाँ आती हाँ है। हाँ, हाँ लेकिन शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, तो इससे व्यक्ति में जो है युवा शक्ति जो होती है ना, जो जिस तरह युवाओं में जो तेज होता है, ओज होता है, वो ऊर्जा रहती है इसमें आसन करने वालों में, हाँ विशेषकर वे आसन जो कि उलट करके किए जाते हैं, हाँ जैसे कि चक्रासन हुआ। जी तो उस तरह के जो आसन हैं तो उसमें उसमें वो युवाओं वाली ताकत होती है। जी हाँ, तो ये आसन से तो खैर बहुत सारे लाभ हैं, लेकिन हाँ ये हाँ थकावट तो निश्चित ही आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा महाराज जी आसन करेंगे तो थकावट तो आएगी ही, लेकिन उसमें हाँ गहरी नींद भी आती है, रेस्ट भी होता है, दिमाग भी तरोताजा होगा, लेकिन उतने हाँ लंबे हाँ समय तक जिसको दिमागी परिश्रम करना है हाँ तो उसको तो मान लो कि थोड़ा सा कम ही करे तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अन्य भी कार्य करने हैं, तो अब आज ही उनके जैसे उनके कह लिए रहा जी प्राणायाम मैंने ही श्रेष्ठ है। हल्का सुबह फुल्का उठा तो आसन में मैंने क्या करो ना कि हाँ सूर्य नमस्कार कर दिया करो। हाँ अच्छा हाँ, और मैंने मैंने जो है इस बार कुछ 21 आसन बताए हैं। हाँ, हाँ 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 गृहस्थों के लिए हाँ गृहस्थ आसन नाम से वीडियो पड़ा अच्छा हुआ है हमारे उसमें जी अच्छा चैनल में। हाँ, तो अच्छा उसको जाकर के देख लेना, वो जो है मात्र 20 मिनट में हो जाता है, अच्छा अच्छा तो 20 मिनट का समय कोई भी गृहस्थ निकाल सकता है, और वे आसन जो वाह है ना वो पर्याप्त हैं गृहस्थों के लिए। जी ठीक हाँ, तो उसको देख है लेना, जी तो उसका उसका जो है बहुत बढ़िया, वो मैंने उसको निकाल करके बनाया है, तो वो बहुत ही काम का है, जी तो उसको उसको देख लो, उतना आसन कर लो काफी है, 20 मिनट का आसन जी कर लो और जो है 1 घंटा प्राणायाम कर लो, अगर इतना समय निकाल सकते हो तो पूरा जी ऊर्जावान भी रहोगे, क्योंकि शरीर में बिना थके हुए अगर शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है तो ही व्यक्ति जो है मेंटली बहुत अलर्ट रहता है, और प्राणायाम का रहस्य यही है कि बिना थके हुए वो जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ा देता है। हाँ, प्राणायाम इसीलिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, नहीं तो एक्सरसाइज से भी तो आदमी जो है एरोबिक एक्सरसाइज करता है तो उससे भी तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, लेकिन साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेवल उसमें बढ़ जाता है, इसके कारण क्या होता है कि वो फायदा नहीं होता, एक्सरसाइज के बाद थकावट होती है, प्राणायाम के बाद हाँ थकावट नहीं होती है, क्योंकि अच्छा तो ऑक्सीजन लेवल तो बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को नहीं बढ़ने देता है। अच्छा हाँ, ये प्राणायाम का सबसे बड़ा रहस्य है। मेरे तो बगल में अगर एक महाराज जी रहते हैं सहेंद्र यादव जी, वो कोरोना में बहुत अफेक्टेड हो गए थे, बुरी तरह से मरणासन्न थे और किसी तरह से बच गए। उनको किसी ने बोला कि आप केवल कह लिए और गर्म पानी पीजिए और अनुलोम विलोम करिए, तो वो 1 घंटा रोज अनुलोम विलोम करते हैं और उसी से वो कह रहे थे कि मेरा मुझे सारी दिक्कत मेरी खत्म हो गई। तो हाँ, फिर मुझे ये लगा कि क्या केवल अनुलोम विलोम सुखासन में बैठ के करने से भी ठीक रहेगा क्या? तो जब आदमी 1 घंटा अनुलोम विलोम करेगा ना तो वो सिद्ध हो जाता है, 108 बार में सिद्ध हो जाता
किसी भी प्राणायाम को जब हम 108 बार तक करते हैं डेली, तो वह सिद्ध हो जाता है। अच्छा, तो आसन के बाद जो है प्रत्याहार की स्थिति आती है, तो प्रत्याहार के लिए सिद्ध करना पड़ता आसन, तो 12 आसन को करना पड़ता है सिद्ध। 12 आसन का हम सिद्ध कर लें 108 बार करके, तो वो सिद्ध हो जाता है, हम प्रत्याहार के पात्र हो जाते हैं। तो जब वो व्यक्ति 1 घंटा करता है अनुलोम विलोम, तो अनुलोम विलोम उसका सिद्ध हो गया। तुम नाड़ी शोधन कर लोगे 1 घंटा, तो नाड़ी शोधन भी तुम्हारा सिद्ध हो जाएगा। जी जी हाँ, तो नाड़ी शोधन बहुत अच्छा वो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम से भी ज्यादा अच्छा प्राणायाम है जी, क्योंकि वो पूरी नाड़ियों को शुद्ध कर देता है। तो अच्छा, नाड़ियों को शुद्ध कर देने का मतलब है शरीर में कोई रोग नहीं रहा। हाँ, तो तुम नाड़ी शोधन भी कर लोगे तो बिल्कुल सही हो जाओगे, नस में जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल। नाड़ी शोधन का, नाड़ी शोधन में क्या होता है महाराज जी, सांस रोकते हैं क्या थोड़ी देर के लिए? रोक करके भी होता है, बिना रोके भी होता है। अच्छा हाँ, तो अनुलोम विलोम से बड़ा प्राणायाम है, अनुलोम विलोम से बड़ा प्राणायाम है, अनुलोम विलोम छोटा प्राणायाम है। अनुलोम विलोम में क्या करते हैं? अनुलोम विलोम जो है रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए बहुत बढ़िया है, और ऑक्सीजन के लेवल को भी बढ़ाने के लिए ठीक है। हाँ, तो नाड़ी शोधन तो सब चीज के लिए ठीक होता है। अच्छा, कैसे करते हैं वो महाराज? तो नाड़ी शोधन का वीडियो में दिया होगा करके, क्योंकि थोड़ा सा जटिल है वो। ठीक है, हाँ, ये तो सिंपल है अनुलोम विलोम, वो थोड़ा सा जटिल है, लेकिन मोटे तौर पर जो है मैं तुमको छोटे से मैं समझा देता हूँ, बाकी तुम वीडियो में देख लेना। और वैसे तो बहुत लोग, बहुत सारा वीडियो बनाया है ना, कि बहुत सारे उन लोग का वीडियो मत देखना जी, जो मैं बताया हूँ उसको देखना, क्योंकि वे सब आधे घंटे बताएंगे फिर उसमें फंसोगे। ऐसा है ना कि पहली बार बाएं नाक से सांस लेंगे, बाएं से ही छोड़ेंगे। अच्छा, ठीक है। तो मान लो कि मैं उसके टर्न होते हैं, तो मान लो कि तुम शुरुआत में 5 का टर्न लेकर चल रहे, उदाहरण के लिए, तो 5 बार बाएं नाक से सांस लिए और बाएं नाक से ही सांस छोड़ दिए, ठीक है। फिर अब तुम 5 बार दाएं नाक से सांस लोगे और उसी से छोड़ दोगे, दाएं से ही। फिर इसके बाद क्या करोगे कि 5 बार बाएं से सांस लोगे लेकिन छोड़ोगे दाएं से, हर बार बाएं से लेना है, हर बार दाएं में छोड़ना है, 5 बार ऐसा करना है। ये 5-5 का टर्न बता रहा हूँ, लेकिन ये 108 के 108 का टर्न जाता है, बहुत बड़ा प्राणायाम होता है। अच्छा, फिर उसी तरह से हर बार दाएं से लेंगे और हर बार बाएं में छोड़ेंगे। हाँ, तो ये सर 5 बार कर लिए, फिर क्या करेंगे कि बाएं से लेके दाएं में छोड़े, दाएं से लेके बाएं में छोड़े, जैसे अनुलोम विलोम में करते हैं जी। हाँ, अंतर यह रहेगा अनुलोम विलोम और इसके बाएं से लेके दाएं में छोड़ना और दाएं से लेके बाएं में छोड़ने में, कि अनुलोम विलोम में धीमे धीमे लेते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगता है लेने में, और उसमें सांस की आवाज बाहर नहीं जानी चाहिए। अनुलोम विलोम का मुख्य यह है, रामदेव बताते हैं तो अनुलोम विलोम गलत बताते हैं, सांस की आवाज नहीं आनी चाहिए जी। और नाड़ी शोधन में है कि सांस की आवाज आनी चाहिए। अच्छा, हाँ, तो नाड़ी शोधन में जो अनुलोम विलोम होता है वो जो सामान्य अनुलोम विलोम है उससे भिन्न यही है कि अच्छा, इसमें जो है सांस की आवाज आती है और अनुलोम विलोम में आवाज नहीं आनी चाहिए। तो इसमें बाएं नाक सांस लिए, दाएं से छोड़े, दाएं से लिए, बाएं छोड़े, लंबी लेंगे, जोर से लेंगे, जोर से छोड़ेंगे, ये होता है। तो ये 108 बार होने से रोग, कोई भी रोग हो दुनिया का, उसको छूट जाना। इसके 4 सेट है ना? हाँ, तो इसके 1, 2, 3, 4, 5 सेट हो गए। 5 सेट। पांचवा कौन सा है? पांचवा तो यही बताया, जो बाएं से लेकर दाएं में छोड़े, दाएं से लेकर बाएं में छोड़े। अच्छा, मतलब वो अनुलोम विलोम की तरह हो गया। हाँ, अनुलोम विलोम तरह से ये फाइनल हो गया। तो अब ये हो गया मतलब बिना कुंभक के, कुंभक रहित नाड़ी शोधन हुआ ये। इसके बाद फिर जो है कुंभक सहित होता है, तो वो तो बहुत बड़े बड़े जो साधक होते हैं जिनको वही करना है दिन रात, वो करते हैं। तो गृहस्थों के लिए तो इतना है कि कुंभक रहित भी कर लेंगे तो काफी है, तो इसी में 1 घंटा लग जाएगा। हाँ, और कुंभक सहित करेंगे तो भाई 2-2.5 घंटा भी लग सकता है जी। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। ओम हरि। ओम।